तो चलिए बच्चों, अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है एलर्जीज। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह गए हो और आप एकदम से छींकना शुरू कर देते हैं और फिर आपकी छींकें रुकती ही नहीं है? इसे हम और कुछ नहीं कहते बल्कि ये होती है एलर्जी। एलर्जी इज द एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टूवर्ड सर्टेन एंटीजन्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। यानी एनवायरमेंट में कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होने की वजह से हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में बहुत ज्यादा चेंजेस शो करने लगती है और उसे ही हम कहते हैं एलर्जी। अब बात करते हैं एलर्जेंस की। एलर्जेंस वो एंटीजन्स होते हैं जिनकी वजह से हमें एलर्जी होती है। एलर्जेंस के कई टाइप्स होते हैं। सबसे पहले पॉलन, डस्ट माइट्स और फिर आता है मोल्ड यानी फंजाई मोल्ड्स। और इन एलर्जेंस के अगेंस्ट कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं IgE एंटीबॉडीज। चलिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सिम्टम्स क्या रहते हैं। सबसे पहले आता है स्नीजिंग, वाटरी आईज यानी आंखों से बहुत ज्यादा पानी आने लगता है। फिर आता है रनिंग नोज और लास्ट में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी हमें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। एलर्जी को कॉज करते हैं मास सेल से रिलीज होने वाले दो केमिकल्स जो हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देते हैं, वो उन्हें हर चीज़ से बचाने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है यानी बॉडी की जो सेंसिटिविटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। साथ ही जो हमारा मॉडर्न डे लाइफस्टाइल है वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है।